बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अरेबियन पुडिंग डेजर्ट। ये बहुत ही झटपट और इजी रेसिपी है। आइए इसकी शुरुआत करते। ब्रेड को हम चारों तरफ से स्लाइस कर देंगे। ये हार्निया का हमने कैरेमल का पुडिंग मिक्स लिया, ये बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाता है। काजू और बादाम गार्निश के लिए, और फ्रेश क्रीम और मिल्क मिक्स लिए हैं हमने, उसे हम मिक्स करेंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हमने 1 लीटर दूध लिया है, इसे अच्छे से बॉईल कर देंगे। बॉईल हो जाने के बाद हमने जो कैरेमल का पुडिंग लिया है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। हम इसमें कैरेमल का सैशे वो नहीं डालेंगे, सिर्फ इसका पाउडर डालेंगे। मैंने 2 पैकेट इसमें डाला है पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 2-3 मिनट तक और पका लेंगे, फिर हम अपने फ्लेम को बंद कर देंगे। हल्का सा गुनगुन हो जाए तब हम एक ट्रे लेंगे और उसके अंदर हम अपना बैटर डाल देंगे, कैरेमल का, दूध और कैरेमल का। अब इसके ऊपर हम ब्रेड का स्लाइस डाल देंगे। अब दोबारा हम इसमें कैरेमल पुडिंग का बैटर डालेंगे, दूध और कैरेमल पुडिंग। अच्छे से डालेंगे जिससे हमारा ब्रेड अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और दोबारा हम ब्रेड का कोटिंग करेंगे और फिर से कैरेमल पुडिंग डाल देंगे, दूध का। इसे अच्छे से फिल करेंगे, हमारा ब्रेड पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। बहुत ही ज़्यादा डालेंगे हम इसके अंदर। अच्छा, याद रखिए कि ये ठंडा ना हो हमारा पुडिंग, हल्का सा गुनगुन रहे तभी हम डाल दें। बाहर मार्केट में, होटल्स में जो हमें पुडिंग का मिलता है यही डब्बे में मिलता है, हम इसमें भी बनाएंगे। सबसे पहले हम कैरेमल पुडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद 2 स्लाइस का ब्रेड डालेंगे। हम चाहे तो एक स्लाइस करके फिर पुडिंग भी डाल सकते हैं, और चाहे तो 2 ब्रेड एक साथ डाल के भी डायरेक्ट पुडिंग डाल सकते हैं। ये अच्छे से डालिएगा जिससे हमारा ब्रेड अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, कर ले। जब तक ये सेट हो रहा है तब तक हम इसके ऊपर का क्रीम बनाते हैं। हम 1 बाउल फ्रेश क्रीम लेंगे और इसमें 1/2 टेन मिल्क मेड डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 1 चुटकी हम केसर भी डाल देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर हमें डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो भी नहीं चलेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लिए और एक साइड कर दीजिए। अब ड्राई फ्रूट्स को हम चॉप कर देंगे बारीक। ऐसे ही हम सारे ड्राई फ्रूट्स को लंबे लंबे बारीक चॉप कर लेंगे। अब चलिए, सबसे पहले हमने जो फ्रेश क्रीम और मिल्क मेड डाला है बनाया है उसे अच्छे से डाल देंगे। इसे चारों तरफ से ऊपर से डालेंगे। अब इसे ड्राई फ्रूट से अच्छे से गार्निश कर देंगे। सेम प्रोसेस हमें छोटे डब्बों के साथ भी करना है। फ्रेश क्रीम अच्छे से हम फ्रेश क्रीम और मिल्क मेड का बैटर डाल देंगे चारों तरफ से। कॉर्नर्स में भी डाल दिएगा। अब इसके ऊपर हम अच्छे से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। अब इसे 4 से 5 घंटा फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। इसे तुरंत मत खाइएगा, 3 से 4 से 5 घंटा हम इसे सेट होने रखेंगे, फिर खाएंगे। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।